देखिए, सवाल है कि क्या खड़े होकर गुस्ल करना सही है, यानी अगर शावर वगैरह के नीचे खड़े होकर मर्द हो या औरत गुस्ल कर रहे हैं तो क्या उनका गुस्ल सही होगा। तो देखिए, खड़े होकर नहाने में कोई गुनाह नहीं है। खड़े होकर गुस्ल करने से गुस्ल बिल्कुल दुरुस्त होगा और इट इज़ परमिसिबल टू शावर स्टैंडिंग अप एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट। और आजकल तो माशाल्लाह बाथरूम काफ़ी सिस्टमेटिक होते हैं, काफ़ी सेफ़ होते हैं और बहुत ही पैक होते हैं, तो आप जैसे चाहें गुस्ल कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, जैसे कि आजकल बाथटब होते हैं तो लेटकर भी गुस्ल किया जा सकता है। तो देखिए, खड़े होकर गुस्ल करना बिल्कुल जायज़ है, मगर बेहतर अमल ये है कि बैठकर और प्राइवेट पार्ट पे कोई कपड़ा वगैरह बांध कर नहाया जाए, ये अफजल अमल है, बजाय इसके कि पूरा बरहना बेलिबास होकर और खड़े खड़े नहाए। खड़े होकर नहाने में कोई गुनाह नहीं है। अगर बाथरूम एकदम पैक है, सेफ़ है, तो बिल्कुल आप नेकेड यानी बरहना होकर नहा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैठ कर नहाता है और अपने शर्मगाह पे कोई कपड़ा वगैरह लपेट कर नहाता है, फिर ये तो अफजल है, बल्कि ये तो अदब में शामिल है। इट इज़ बेटर टू बाथ सिटिंग। रहा खड़े होकर गुस्ल करने का सवाल, तो देखिए, ये बिल्कुल ऐसा कोई अमल तो नहीं है कि इसे नाजायज़ का लेबल लगा दिया जाए। बिल्कुल खड़े होकर गुस्ल हो जाता है और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, मगर बेहतर यही है और अदब में भी यही शामिल है कि बैठ कर नहाया जाए। जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा।